ऐसे ही हिंदी कॉमेडी वीडियोस के लिए अभी मूवी का मजा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी वीडियो मिस ना करने के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूले। धन्यवाद। फॉर मोर सच हिंदी कॉमेडी वीडियोस सब्सक्राइब टू दी मूवी का मजा YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन टू नॉट मिस एनी वीडियो। थैंक यू। ऐसी होती है ना तो आपको जोक लिखने नहीं पड़ते, आप बस किसी बड़े से होटल में घुस जाते हो, वहां गेटकीपर आपको खुद ही सारे जोक्स दे देता है। किधर घुसे चले आ रहे हो, किधर किधर, नहीं नहीं खाना नहीं मिलता इधर का। फिर वही बात, हम ही घसीट के बाहर निकालते हैं, क्यों बेइज्जती कराने पे तुले हो, महंगा है। तो ऐसे मैं जाता रहता हूं, लेकिन एक तरह का रेस्टोरेंट है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे नफरत है उससे, वह है ऑथेंटिक चाइनीज रेस्टोरेंट्स। चाइनीज से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, चाइनीज में क्या होता है ना, ऑथेंटिक चाइनीज में चाइनीज खाने होते हैं, लेकिन ऑथेंटिक चाइनीज रेस्टोरेंट में चाइनीज खाने तो होते ही है, उसके साथ साथ होता है परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। इतने स्ट्रिक्ट होते हैं ये। मैं पिछले दिन का खाने मैंने ऑर्डर किया फ्राइड राइस, अब इन गरीबों के पास ना चम्मच नहीं होते, इन्होंने पकड़ा दी मेरे को तो पेंसिल। 3 घंटे में 12 दाना खाया हूं मैं, इतना फ्रस्ट्रेट अपनी लाइफ में नहीं हुआ। मैं खाना खाने गया था ताकि मेरे को एनर्जी मिले। इस कल्चरल एक्टिविटी में इतनी एनर्जी मेरी जा चुकी है कि अगर मैं पूरा खा भी लूं तभी मैं लॉस में हूं। इस बॉल में 300 कैलोरी है, इसको खाने के लिए 900 कैलोरी चाहिए। ये पहला रेस्टोरेंट है जिसमें खाना घर से खा के आना पड़ता है। दोस्त भी कह रहा था, भाई चाइनीज जा रहा है, ऑथेंटिक ये ले प्रोटीन शेक, काम आएगा। और मैंने देखा ये हमेशा कांस्टेंट फाइट रहती है वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस के बीच में कि किसका खाना बेटर है, लेकिन मुझे लगता है ना वेजिटेरियन वालों को ना, उन लोगों ने अपनी हार मान ली है मन में, उनको भी पता किसका बेटर है। क्योंकि कभी भी आपने देखना तो कंपैरिजन होता है तो नॉनवेज खाने के साथ कंपैरिजन होता है। जैसे मेरे डैड वो हार्डकोर वेजिटेरियन है, लेकिन हमेशा कहते हैं ये जो कटहल होता है ना, कटहल ये जैकफ्रूट या कटहल, ये ना वेजिटेरियन लोगों का मीट होता है। मेरे डैड ने कभी मीट खाया भी नहीं, लेकिन उसके दिमाग उनके दिमाग में है ना कि मीट जो है बेस्ट चीज है, और हमारे कटहल ने बहुत तगड़ी कॉम्पिटिशन दी है। मीट भी सोच रहा है यार ये तो गोल्डन मैन है यार कटहल। और सिर्फ वेज वाले कंपेयर करते, कभी नॉन वेज वालों ने कंपेयर नहीं किया, क्या घटिया मीट है यार, कटहल वाली बात ही नहीं है इसमें। कटहल बेस्ट है यार, कटहल इज ऑसम, कभी किसी ने नहीं बोला। और ये कौन बंदा था जिसने ये र्यूमर फैलाया, पहले उसने मीट खाया, फिर उसने कटहल खाया, फिर कहा सेम ही तो है। कहां का डिफरेंस है, सेम ही तो है, एग्जैक्ट। पक्का इस बंदे की स्वाद में कोई प्रॉब्लम होगा। और स्वाद से ज्यादा मेरा एक दोस्त है जिसकी सच में ये डिसेबिलिटी है, उसकी जीभ खराब है, उसे सिर्फ 3 ही स्वाद आते हैं, गरम, नरम और कड़क। और आधी जिंदगी उसको किसी ने बताया नहीं कि उसकी जीभ खराब है, तो उसको लगता था केक और बर्गर सेम टेस्ट के होते हैं, वो केक पे सॉस लगा के खाता था। और मैंने अब हमारे दोस्तों को लग रहा था ना कि ये एक्टिंग कर रहा है, इसे सच में इसे कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये एक्टिंग कर रहा था। इन्होंने एक प्रैंक किया इसका टेस्ट करने के लिए, तेरा ब्लाइंड टेस्ट करेंगे। तो इसको क्या किया, इसको पट्टी पहनाई और फिर इसको पालक पनीर बोल के गोबर खिला दी और ये खा भी गया। मैंने कहा इतना ओवर क्यों कर रहा है यार, मैंने ओवर कहा क्या यार, मैं तो बोला मेरे को टेस्ट नहीं आता, मैंने कहा तेरे को स्वाद नहीं आती माना, बदबू तो आती है।